स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम RSMSSB के द्वारा लिया गया पशुधन सहायक का जो पेपर है 4 जून 2022 के दिन जो है ये पेपर लिया गया था और उसी का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम कराएंगे। सभी 120 कुल इसमें प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न जो थे वो राजस्थान जीके के संबंधित थे और बाकी के 40 से 50 प्रश्न जो है वो विज्ञान से संबंधित थे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो पशुधन या पशुओं से जो है संबंधित थे। तो 120 ही प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये पेपर 4 जून 2022 को हुआ था, RSMSSB के द्वारा लिया गया था, पशुधन सहायक का ये पेपर था जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो दिल्ली की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तीनों जिलों की सीमाएँ जो है राजस्थान के साथ साझा होती है। मध्य प्रदेश की भी सीमा भी होती है, गुजरात की भी होती है। दिल्ली की सीमा जो है ये इनसे राजस्थान से साझा नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है कि अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी, महलों और हवेलियों में चित्रों, उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उस्ता कला के लिए बीकानेर को जाना जाता है, तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊँट के ऊपर जो है, ऊँट की खाल पर जो है सोने से सूक्ष्म जो चित्रकारी होती है उसी को जो है उस्ता कला कहा जाता है और ये बीकानेर की प्रसिद्ध हैं और उस्ता कला वाले जो कारीगर होते हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भर्तृहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भर्तृहरि का जो मेला है वो राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य में जो है वहाँ पर लगता है और भर्तृहरि का जो मंदिर है वो भी अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है, तो तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो आपको पता होगा ताप्ती जो नदी है वो महाराष्ट्र गुजरात में बहती है, यह राजस्थान में नहीं बहती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW किस प्रकार की जलवायु है? तो AW का क्षेत्र आपको बताना है, तो AW जो है राजस्थान में दक्षिणी हिस्से में आता है AW, CWG जो है पूर्वी हिस्से में आएगा, AW जो है दक्षिणी हिस्से में आएगा और इधर अगर हम देखें तो BSHW और इधर जैसलमेर की साइड पर BWHW आएगा, तो AW जो है दक्षिणी क्षेत्र में आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन जो है वो किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो पूर्वी मैदान का हिस्सा है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है? तो पंचभद्रा जो है वो बाड़मेर में जो है खारे पानी की झील है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में है? तो केला देवी अभ्यारण्य जो है करौली जिले में है। नौवां प्रश्न है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, तो ये जो जयपुर का आपको सफारी पार्क बताना है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है तो उसका नाम है जालाना। माचिया जोधपुर में है, रणथंबोर जो है सवाई माधोपुर में है, केवला देव जो है भरतपुर में है, जालाना इसका राइट आंसर है जो जयपुर में आता है, नौवे का डी आंसर हो जाएगा। दसवां अगर देखिए, लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो है लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो सबसे अधिक वन उदयपुर जिले में है और सबसे कम पूछे जाए तो चूरू जिले में सबसे कम वन है, उदयपुर में जो है सर्वाधिक वन है राजस्थान के अंदर। बारहवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो आपको पता ही होगा कि जैविक खेती जो है उससे मरुस्थलीकरण नहीं होता है। जैविक खेती एक खेती करने की विधि है जिसमें कीटनाशक का उपयोग नहीं करके जैविक चीज़ों से जो है कीटनाशक और उर्वरक बनाया जाता है, तो ये जो है मरुस्थलीकरण का इससे कोई जो है औचित्य नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेरहवा प्रश्न है कि राजस्थान का राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प जो है रोहिड़ा है और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिक्कुमेला
अरेडू ऐसा कुछ इसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम है। 14 प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जयपुर उदयपुर जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? राजवायु। राजवायु जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की है? तो ये राजस्थान पंजाब हरियाणा तीनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 है, कंवर सेन लिफ्ट नहर किस राज्य को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर का ही एक और नाम जो पुराना नाम है वो गजनेर लिफ्ट नहर भी इसको कहा जाता है, और ये जो है बीकानेर राज्य को जो है जल आपूर्ति करवाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17 प्रश्न है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? इंडियन जो प्रशासनिक रिपोर्ट है उसके हिसाब से कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 10 भाग है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में और ऊन की मंडी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर ऊन की मंडी है। सर्वाधिक ऊन किस जिले में उत्पादित होती है? सर्वाधिक ऊन जो है जोधपुर जिले में उत्पादित होती है, लेकिन ऊन की मंडी जो की अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर है, ठीक है। और राजस्थान भारत में ऊन उत्पादन करने में जो है प्रथम स्थान पर है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा बताना है, और ये जो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं पुराने हिसाब से पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो सबसे छोटा जो है 71 भी हो जाएगा, सी नंबर। 20वां प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो टंगस्टन जो है टंगस्टन की सबसे बड़ी खान डेगाना है, और डेगाना जो है नागौर में आती है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले की छोटी छादरी तहसील में है, और वहीं से जो है जाखम नदी उत्पन्न हो रही है, और जाखम बांध जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़, और सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर के अंदर, तो गंगानगर के सूरतगढ़ में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज मतलब सिसोदिया वंश जो है राणा हमीर के समय से प्रारंभ हो गया था, तो जो पूर्वज है वो राणा हमीर हो जाएंगे। 24वां प्रश्न है, बेराट जयपुर के पास भीम जी की डूगरी के तल पर दो शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो बेराट जो शिलालेख है वो मौर्य काल यानी अशोक से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, लूनी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल यहाँ निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। 26वां प्रश्न है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण जो है राव राजा बेर सिंह के द्वारा किया गया था। 27वां प्रश्न है, दिवेर की लड़ाई राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाई माधोपुर के सिवाड़ में जो गुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में इसको जाना जाता है, 28वां का डी हो जाएगा। 29वें का मेवाड़ क्षेत्र में गैर लोक नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है। और 30वां प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी में जो है वो गोगा मेड़ी कहाँ पर किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। 31वां, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ जो है हाड़ौती में आता, तो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ जी को जो है ये मंदिर समर्पित है। और मथाई नदी के किनारे है जो है रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं, पाली के जिले के अंदर हैं, और धरणक शाह के द्वारा ये बनाए गए हैं जो राणा कुंभा के शासनकाल में एक जैन व्यापारी हुआ करते थे। और देपाक की देखरेख यानी इसका शिल्पी की बात करें तो देपाक था। 1444 खंभों पर जो है ये रणकपुर के जैन मंदिर बने गए हैं। इसको खनिजों का अजाय बगर भी जो है खंभों का अजाय बगर भी जो है कहा जाता है। भगवान ऋषभनाथ को ये समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना। 33वां प्रश्न है, राजस्थानी की भाषा की पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है
वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है? तो भवाई शैली में जो है जेस्मा ओडेन नाटक जो है वो भवाई शैली में लिखा गया है। अगला 35वां प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो बूंदी के जो नेता थे वो नैनू राम थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गजल गायक राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह का जो है संबंध वो राजस्थान से हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37वां है, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो जयपुर राज्य का शासक सवाई जगत सिंह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 38वां है, एक के आंदोलन के नेता तो आपको पता ही होगा मोतीलाल तेजावत है, और ये भूमट क्षेत्र का आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। 39वां है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान के गठन के कुल 7 चरण हुए थे। पहला जो चरण था वो मत्स्य संघ था, उससे लगाकर जो राजस्थान संघ बना, 7 चरणों में जो है ये कार्य पूरा हुआ था। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है? राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा है। तो राजनीतिक जागृति और विकास का जो हिस्सा है तो वो हो जाएगा अंजना देवी चौधरी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, ये पार्ट बी जो है अब इसके अंदर विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न जो थे राजस्थान जीके और कला संस्कृति से संबंधित है। अब जो क्वेश्चन है वो आपकी पार्ट बी यानी कि जीव जंतु विज्ञान से या पशुधन विज्ञान से इनसे संबंधित है। 41वां प्रश्न है कि रोमन्थी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यहाँ राइट हो जाएगा, चतुर्थ आमाशय के रूप में जाना जाता है। 42वां प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंग का जोड़ नहीं है? तो अग्र अंग का जो जोड़ है वो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घुटने का जो जोड़ है वो अग्र अंग का जोड़ नहीं है। कोहनी का जोड़ कंधे का जोड़ दोनों अग्र अंग के जोड़े हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? तो मवेशी और भैंस में जो है चबाने वाले और काटने वाले दांत जो है वो उपस्थित होते हैं, नहीं होने वाले बताए हैं। तो नहीं होने वाले में रदनक बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रदनक, रदनक यानी कि जो काटने के बाद जो फाड़ने का काम करते हैं वो दांत इनके अंदर नहीं होते हैं मवेशी और भैंस के अंदर। तो रदनक इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 44वां प्रश्न है कि कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं को के कितनी जोड़ी निकलती हैं? कपाल तंत्रिकाओं की जोड़ी बतानी है। तो कुत्ते और बिल्ली के अंदर ये 12 कपाल तंत्रिकाएँ होती है, 12 आपको याद रखना है। 45वां प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं जिसको, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा कंट्रोल होता है। रीढ़ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो मूत्राशय जो है किस में अनुपस्थित होता है? मुर्गे के अंदर जो है मूत्राशय अनुपस्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 47वां प्रश्न, ऊँटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो ऊँटों में जो है पेट के 3 भाग बाहर से दिखाई देते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मकता ध्वनि उत्पादन का अंग है? तो ध्वनि उत्पादन कंठ से होती है, आपको पता है कंठ, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गले में होता है कंठ और कंठ के अंदर लेरिक्स हो जाता है जिससे ही जो है ध्वनि का उत्पादन होता है। 49 का क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को के रूप में भी जाता जाता है? प्लेट्स लेट जो है वो रुधिर का थक्का बनाने के लिए काम में आता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जो है जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? वैसे इसका ऑप्शन आया यहाँ पर यूरोक्रोम देना चाहिए था, यूरोक्रोम जो है उसी से मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है, लेकिन सामान्यतः बिलुरुबिन जो है इससे पीलिया होता है और पीलिया के कारण भी जो है मूत्र का रंग पीला हो जाता है। तो यहाँ पर अगर यूरोक्रोम नहीं दे रखा है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी बिलुरुबिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51वां जो है, जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ क्या है? तो एटीपी का जो अर्थ है, एटीपी का
फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। अगला प्रश्न है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा, ये इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ भी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर ग्राफ होगा, जी का मतलब ग्राफ न कि ग्राम होगा। 53वां प्रश्न है कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह यानी पावर हाउस, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस। 54वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है दो है, बचपन आप याद रख सकते हो, बचपन में पानी पिया तो बी सी का मतलब बी और सी, बी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, बी सी आपको याद रखना है, दोनों जल में घुलनशील है, और विटामिन ए डी ई और के ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है। 55वां जो प्रश्न है कि मधुमेह द्वारा विशेषीकृत एक नैदानिक स्थिति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त या अक्षम इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा में के स्तर में जो वृद्धि हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है, प्लाज्मा और सीरम के बीच में जो अंतर है वो फाइब्रियोनोजन की वजह से होता है, फाइब्रियोनोजन जो है वो प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस का जो मुख्य रीज़न है। 57वां प्रश्न की देखें तो अभी घातक माइएसिस को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगट घाव या अपादक घाव को जाना जाता है। 58वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक निस्राव सिस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जल वर्षण जो है निस्राव सिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 बदियाकरण जनदनाशन की किस विधि में बर्डी जो कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंद विधि, बंद विधि जो है ये इसका राइट आंसर है, बंद विधि, बंध्याकरण जो होता है ना वो किस विधि के अंदर आता है, तो बंद विधि आपको याद रखना है। 60वां प्रश्न है असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त गुल्म जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन नंबर है एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को कहा जाता है, तो एक्सरे की अवशोषित खुराक की इकाई को जो है क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेड, रेड कहा जाता है उसको। 62 क्वेश्चन नंबर जो है कि फ्रैक्चर के उपचार के चरणों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो फ्रैक्चर का जो जो है उपचार उसके जो क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त गुल्म का जो निर्माण होता है, फिर नरम कैलस का निर्माण होता है, फिर प्राथमिक अस्थि कैलस का निर्माण होता है, फिर द्वितीयक अस्थि कैलस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 63 एक प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेश को जो है स्रोत से रिसीवर तक स्थानांतरित किया जाता है, तो इस जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को संचार कहा जाता है, कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है कोसयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियमित नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपने आम आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा बी, सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 65 है वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है यानी कि विजुअल एड्स, विजुअल एड्स इसका राइट हो जाएगा, देखा जा सकता है तो विजुअल एड, अगर सुना जा सकता है तो ऑडियो एड्स, ठीक है, तो विजुअल एड्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपको ध्यान रखना है, विजुअल एड्स हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित एक तख्ती है, तो सार्वजनिक स्थान पर जो है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या जो है तख्ती लगाई जाती है, उस तख्ती को पोस्टर कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें अपने विशिष्ट श्रेष्ठ परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि जो है उसका नाम क्या है, तो उस विधि का नाम है परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन जो है वो लोगों को प्रेरित करने की एक विधि है बेहतर दिखाने के लिए। उसके बाद 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य
माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन, जो साथ ध्वनि के साथ साथ जो है चित्र भी जो है प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है 69 बकरी जीनस जाति से संबंधित है, तो बकरी जो है कौन सी जाति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केप्रा हिरकस जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस जानवर में रूमेन आमाशय नहीं होता, रूमेन आमाशय जो है नहीं होता है, तो सुअर के अंदर जो है रूमेन आमाशय नहीं होता है। 71 क्वेश्चन जो है कि आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संरचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय संरचना है। 72 नंबर क्वेश्चन है को सूक्ष्म जीवों और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं की क्षमता के तकनीकी अनुप्रयोग को प्राप्त करने के लिए जैव रसायन सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो जैव रासायन से और सूक्ष्म जीव विज्ञान और रासायनिक इंजीनियरिंग के एकीकृत उपयोग से संबंधित हैं, जिसको जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। क्वेश्चन नंबर 74 है पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है उसे के रूप में जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी ऑप्शन फलिया जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फलिया आपको ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 75 है कि वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है, तो श्वसन की सामान्य दर हो जाएगी 8 से 12 प्रति मिनट हो जाएगी, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किसे किण्वन वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो किण्वन वर्ग के अंदर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए इंसुलिन। इंसुलिन को जो है किण्वन वर्ग के अंदर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है, तो नर पशु का सहायक यौन अंग पूछा है, तो यौन अंग में जो है वहाँ पर अश्रु ग्रंथि नहीं आएगी, क्योंकि अश्रु ग्रंथि का यौन अंग से कोई रिलेशन नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है, तो औषध विज्ञान के जनक जो है वो सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को जो है प्रशंसित किया गया है। और अगर राष्ट्रीय औषध अगर संस्थान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, सी ऑप्शन सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा जो है उनको औषध विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ऑफिस इंटरनेशनल डेफ एफिजुटिक OIE को अब अक्सर के रूप में जाना जाता है, तो OIE को जो है पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण वितरण चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है, तो औषध विज्ञान की आपको शाखा बतानी है, तो फार्मा कोकाइनेटिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फार्मा कोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आदान प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है, तो रक्त के जमाव को रोकने के लिए EDTA का जो है उपयोग किया जाता है, EDTA इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दवा जो मौखिक रूप से दी जाती हैं प्राथमिक कारण को हटाकर या रूमिन और रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेसिस यानी कि प्रथम आमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत प्रदान करती है वह है, तो यहाँ पर आपको एक मौखिक रूप से जो दवा दी जाती है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल फेराफिन जो है इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सा के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 84 नंबर जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुँच जाती हैं या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती हैं तो इसे कहा जाता है, तो इस 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि
पेन जूटिकिया महामारी रोग कहा जाता है। जैसे कोरोना महामारी फैली थी तो उसको एक महामारी रोग जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है। तो बदिया नर मवेशियों में जो है कौन सी स्थिति अधिक देखी जाती है, तो अंडकोश का हर्निया जो है ये अधिक देखा जाता है, अंडकोश का हर्निया। 86 नंबर क्वेश्चन है कि जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है, जानवरों में हीट स्ट्रोक से जो है वो अतिताप या हाइपरथर्मिया जो है होता है, हाइपरथर्मिया आपको याद रखना है। 87 नंबर क्वेश्चन है अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफेजिया या शमल वोजी जो है, इसका राइट आंसर है कोप्रोफेजिया या शमल वोजी। 88 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है। तो मूत्र का जो अम्लीय पीएच है सामान्य रूप से पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते के अंदर जो है मूत्र का पीएच अम्लीय रूप में पाया जाता है। जो मांसाहारी जंतु हैं उनका जो मूत्र होगा वो अम्लीय होगा, मांसाहारी जंतुओं का मूल्य जो मूत्र है वो अम्लीय होगा, और शाकाहारी जंतुओं का जो मूत्र है वो क्षारीय होगा। यहाँ पर मवेशी भेड़ और घोड़ा तीनों शाकाहारी हैं तो इनका जो मूत्र है वो क्षारीय होगा, लेकिन कुत्ता मांसाहारी के अंदर आता है तो इसका मूत्र जो है अम्लीय रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें कि मवेशियों भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी FMD के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर 6 महीने में जो है प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचारित होता है। तो रेबीज वायरस जो है आपको पता ही होगा कि कुत्ते के काटने से जो है रेबीज वायरस होता है, और ये एक संक्रमित लार के द्वारा जो है फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो दो की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातियों पे, दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगम करते हैं। तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रजाति जो है ये राइट है। 92 का है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है। तो रक्तस्राव सेप्टिसीमिया जो है वो जीवाणु के कारण होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 निम्न में से किस रोज में लहरदार अथवा भूमध्य सागरी माल्टा जबर होता है। तो ब्रुसिलोसिस जो है इसका राइट आंसर है, ब्रुसिलोसिस जिसके अंदर लहरदार या भूमध्य सागरी माल्टा जबर होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वंशावली, वंशावली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो एक ही नस्ल के बीच में जो है वो संगम बहि संकरण कहलाता है, बहिसंकरण है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है। तो दुधारू नस्ल जो है वो कांकरेज नहीं है, कांकरेज डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन जो है कि भारत में विश्व से अधिक भैंस की आबादी है, भारत में विश्व के 50% से अधिक भैंस की आबादी, डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, बी डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, 50% से अधिक भैंस की आबादी है। 98 क्वेश्चन है NDDB का पूर्ण रूप क्या है, NDDB का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB का पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRY का मुख्यालय अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर, और अविकानगर आता है राजस्थान के टोंक जिले में, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या जो है 26 होती हैं, 27 होती हैं, और 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 जो है द्विगुणित गुणसूत्र आ जाएंगे। 101 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतया निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है
वो राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। 102 जो है मवेशी, भेड़, भैंस, बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। तो अंडाशय जो है आमतौर पर क्या होते हैं, बादाम के आकार के होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मक की कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए है जहाँ प्रजनन संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यौवनारंभ। यौवनारंभ जो है यहाँ पर राइट आंसर है। 104 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जाता है। तो सबसे छोटा मध्य चरण जो है वो गाय के अंदर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है। तो भैंस के अंदर बात की जाए तो 310 दिन होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 106 जो है, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुदैर्ध्य प्रस्तुति होती है। क्वेश्चन नंबर 107, दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, दूध स्राव में ऑक्सीटोसिन है। 108, कृत्रिम गर्भदान करते समय वीर्य के स्ट्रा को तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 1 मिनट तक गलाना चाहिए। फिर उसके बाद 109 में है कि कौन सा AI यानी कृत्रिम गर्भदान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो भैंस के अंदर जो है कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, रेक्टोयोनिक जो है तकनीक का प्रयोग भैंस के अंदर किया जाता है, रेक्टोयोनिक आपको याद रखना है। 110, जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जाना चाहिए। तो तरल नाइट्रोजन पर कितने ताप पर जो संरक्षित किया जाना चाहिए, -196 इसका राइट आंसर है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको संरक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, इसका वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समयपथ सिद्धांत क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 समयपथ सिद्धांत है, पानी, ईथर का निष्कर्ष, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कुल राग और नाइट्रोजन और मुक्त निष्कर्ष। नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष, ये जो 6 जो है वो बेंडे की प्रणाली के अनुसार समीपस्थ सिद्धांत है। 112 प्रश्न है, एमिनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल जो है यहाँ पर राइट आंसर है। 113 प्रश्न है, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन चयापचय का अति उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल की वजह से जो है स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के कारण जो है होता है, विटामिन के रक्तस्राव से संबंधित है। 115 प्रश्न है, सूखी घास में से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे क्यूनर और दहन की जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 14% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। 116 प्रश्न है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के बीच में अनुपात होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के बीच में जो है 2:1 होता है। 117 प्रश्न है, विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है। तो विटामिन B12 का सामान्य नाम जो है साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन जो है याद रखना है। 118 है, गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबायोटिक्स जो है, इसका राइट आंसर है प्रोबायोटिक्स। 119 प्रश्न है, हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानुफलक यानी पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। तो पटेला जो हड्डी है वो किस वर्ग में आती है, तो वो सिस्मोइड हड्डियों के अंदर आती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोइड हड्डियों के अंदर। 120 और अंतिम प्रश्न है, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। स्तन की हड्डी बताना आपको, ब्रिस्ट बोन किसे कहा जाता है। तो ब्रिस्ट बोन जो है वो है त्रिकास्थि को कहा जाता है, त्रिकास्थि इसका राइट आंसर है। त्रिकास्थि को जो है स्तन की हड्डी या ब्रिस्ट बोन जो है कहा जाता है। ये था अंतिम प्रश्न,
दोस्तों ये आपका RSMSSB के द्वारा जो पशुधन सहायक का जो पेपर हुआ था जो 4 जून 2022 के दिन ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका ये जो पूरा सॉल्यूशन है बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की से आपको करवाए गए हैं। एक भी जो है आंसर आपको यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। बिल्कुल आप इस पेपर के हिसाब से जो है RSMSSB के जो अगले पेपर होंगे उनके जो है पैटर्न को भी आप समझ सकते हैं कि राजस्थान जीके से या विज्ञान से किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।